कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को नई नीति का ऐलान किया। भारत सरकार की नई नीति के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीका लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी टीका लगवाने की अपील करेंगे। बता दें कि इसी साल जनवरी में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान तब सामने आया जब बीते दिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर सामने आई थी। मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और उनकी तस्वीर सामने आई। इसी के बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट ने अखिलेश यादव पर तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने का स्वागत किया और साथ ही कहा कि उम्मीद है अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ता भी अब टीका लगवाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी इस संबंध में ट्वीट किया था। फिलहाल अखिलेश यादव का कहना है कि अब वो भी टीका लगवाएंगे और उनके कार्यकर्ता भी।